दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव का आगाज तो हो चुका है। ऐसे में जनता जो है चुनावी मोड में है। इस बार के चुनाव में महिलाओं की अहम भागीदारी होगी। प्रभा साक्षी की टीम आज जो है घरेलू महिलाओं से बात करेगी, आखिर उनका मूड क्या है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी जो है काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से देश में उनको इस समय उनकी लहर चल रही, तो आपको क्या लगता है? मोदी जब से आए तब से हम लोग के देश को बहुत प्रगति हुई है। जहाँ तहाँ मंदिरें बन रही हैं, सुधार बनारस के लिए तो बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अब हर जगह के लिए अच्छे साबित हो जाए तो अच्छा ही है। आप तो कलकत्ता से ना? जी। कलकत्ता से बनारस की दूरी जो आपने तय की, तो क्या लगता है कि इतना दूरी में क्या क्या देखा आपने? सड़कों का विकास? हाँ, सड़कों का तो बहुत विकास हुआ है। अभी पहले लाइट नहीं रहती थी यहाँ पे बनारस में ही, लेकिन अब लाइट की भी सुविधा हो गई है, पानी की भी सुविधा हो गई है, हर एक चीज़ की मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट में है बनारस अभी। अब अयोध्या का राम मंदिर भी बन गया। हाँ, बहुत खुशी हुआ जब राम मंदिर बन गया हम लोगों को, तो वहाँ पे अभी जाना अभी गए नहीं है, लेकिन हम लोग कलकत्ते में ही बहुत उत्सव मनाए थे। तो कलकत्ता में क्या स्थिति है ममता दीदी की? तो अभी स्थिति बताने लायक नहीं है, खुद जब हो जाएगा सब तो परिस्थिति देखा जाएगा। क्या बोले हम, वो टक्कर दे नहीं सकती हैं, लेकिन ठीक है बोल रही हैं तो वही अब साबित करके दिखाएं तब ना समझे हम लोग। आप लोग खुश हैं ममता दीदी से? अभी तो नहीं है, अभी तक खाए भी नहीं, झूठ क्या बोलना है। इस बार कुछ परिवर्तन हुआ क्या? लग तो रहा है, अभी मोदी गए हैं बहुत, मतलब कि इनके में बहुत भीड़ जमा हुई है। जहाँ तहाँ ये किए हैं भाषण दिए हैं ना, बहुत भीड़ ये अभी तक ममता में नहीं हुई। बहुत लोग हमारे ही जेठ रहते हैं उनमें, लेकिन अभी है नहीं लोग उस काबिल। अभी तक तो कुछ कंट्रोल समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ अभी गैस सिलेंडर कम हुआ है दाम, पेट्रोल में सुने अभी पैसा कम हुआ है 1-2 रुपया। उसी तरह से हर चीज़ महंगाई तो बहुत ही है, अभी महंगाई सस्ता नहीं हुआ अभी। हाँ, तेल उल का भी दाम थोड़ा गिरावट हुआ है अभी पहले से। तो लगता है मोदी जी को इसको काम करना चाहिए? हाँ, ये तो बात सही है, मोदी तो आए तब से तो बहुत हर राज्य में सुधार कर ही रहे हैं जहाँ तहाँ। महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया है। वाराणसी के लिए तो किया ही है, पूरे देशों के लिए उन्होंने काम किया है। जो व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्थाएं हमारे देशों में थी उनको उन्होंने व्यवस्थित किया है। महिलाओं को तो विशेष रूप से संरक्षण है, और महिला उनकी बहुत ही आदर और मान करती हैं। इस पे ये कहना हमको ये है कि दिक्कत तो कुछ है महिलाओं को, चाहे आम जनता को ही है, लेकिन ये है कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो खाएँगे कहाँ से? मोदी जी तो किसी के घर पर ला के राशन पानी देंगे नहीं, तो मेहनत करेंगे तो खाएँगे। इसलिए लोगों को लगती है कि बेरोजगारी है, और विपक्ष इस पर सवाल उठाती है, लेकिन हमारे कहने से मेहनत करने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, मेहनत करनी चाहिए। बहुत परिवर्तन आया है, और सरकारों में तो इतनी परिवर्तन नहीं आई हुई थी, लेकिन जो हमारे जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से हमारी जो है यहाँ से क्या कन्याकुमारी से लेके हर जगह ही बेहद ही अच्छा हुआ है, समझ जाइए। क्या नहीं किया उन्होंने देश के लिए? मोदी जी के आने से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आए दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं होती थी, उसमें सुधार हो गया है। हमारे रामलला के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ का हुआ है। इन सब चीज़ों से बहुत सारे मोदी जी से उम्मीद है। शिक्षा के दौरान भी हुआ है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, बेरोजगारियों में भी हुआ है, इन सब चीज़ों से है। जी हाँ, सिलेंडर का दाम कम हुआ, लेकिन आए दिन जो हमारे गृहस्थ में जो किचन में चीज़ों की ज़रूरतें हैं, खासकर दालों के दामों में अभी महंगाई है, तो आए दिन जो रोज़मर्रा की चीज़ों हम लोगों के लिए, उसमें भी अभी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, महिलाओं को दिक्कत होती है। आप एक महिला है, आज से 5-10 साल पहले जब सड़कों पर निकलती होंगी जी, तो क्या माहौल लगता था, अभी का क्या माहौल? नहीं, अब तो निडर होकर महिलाएँ निकल रही हैं, महिलाएं हैं या जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी बच्चियां हैं, वो लोग अब निडर होके किसी समय भी निकल सकती हैं जी। लगता है वही जीतेंगे मोदी जी, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। और अयोध्या इतने दिन से नहीं बना था राम मंदिर, अब वो मोदी जी के आने से वो बन गया। और जो सड़क उड़क बना चारों तरफ जी, सड़क उड़क सब जी, सड़क बन गया पूरा, लाइट वुट की व्यवस्था सब जगह हो गई है,
और लाइट भी प्रॉपर रहता है। महंगाई है क्या कुछ? कुछ महंगाई तो है। जी हाँ, महंगाई हुआ है, कुछ तो सस्ता भी हुआ है, लेकिन कुछ महंगा भी हो गया है सामान। ये थी वाराणसी की घरेलू महिलाएं, जिनका मानना है सिर्फ काशी का ही विकास नहीं हुआ बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 सालों के अंदर पूरे भारत का विकास किया है। ऐसे में आने वाले समय में ये महिलाएं दिख रही हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ ही जाने वाली हैं। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।